लो भाई, हम आ चुके हैं रात में और अभी हम ये हाईवे पे खड़े हुए हैं। जनता आप देख रहे हैं, जनता की संख्या देख रहे हैं, काफी दूर दूर तक ब्रिज में खड़ी हुई है और काफी लोग इधर बैठे भी हुए हैं और कांवड़ यात्री आ रहे हैं। यहाँ पे भंडारा चल रहा है और यहाँ पे भी कुछ लोग भंडारा बांट रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार। देख रहे हैं मेडिकल, देख रहे हैं जनता, ये सारी जनता है जो कि सारे डीजे वालों के इंतजार कर रहे हैं, पूरी जनता है। देख रहे हैं पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए जाम ना लगे करके, पूरे यहाँ पे जनता खड़ी हुई है, पूरी जनता है। देख रहे हैं पूरी जनता है, अच्छी खासी लंबी जाम है, बहुत अच्छी खासी भीड़ है, सारे रुड़की कलियर वाले हैं। अब जो भीड़ आ रहा है वो डाकड़ वालों की संख्या आ रही है, इसके अंदर भीड़ ज्यादा होगा। देख रहे हैं इस तरफ भीड़ कितनी है, काफी सख्त नियम है। पूरे जो विशाल डीजे कावड़ है उसे हटा दिया गया है, जो भी नॉर्मल कावड़ ही आ रहे हैं और छोटे छोटे जो डीजे कावड़ है वो आ रहे हैं, जो कि आपने देखा। देख रहे हैं पुलिस वाले के रहने से काफी फायदा हो रहा है, यहाँ पे डीजे जहाँ पे जो रुकती थी वो रुक नहीं रही है, पूरे हाईवे पे लोग हैं। देख रहे हैं पूरे हाईवे पे किस तरह से लोग हैं, इस तरफ या इस तरफ दोनों किनारे पे अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पे, और आगे डीजे वाले को यहाँ पे रुकने भी नहीं दिया जा रहा है और ये सारे डीजे वालों का इंतजार कर रहे हैं, सारे रुड़की कैरियर वाले हैं। देख रहे हैं बोले जो कि अब थोड़ा से रेस्ट करेंगे, अभी रात ज्यादा नहीं हुआ है, बस 9 बजे, इसके वहां से सारे भीड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं जनता लोग पूरे कांवड़ यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, यही भीड़ चाहिए। जो काफी सारे डीजे आ रहे थे बड़े बड़े डीजे, वो सारे निकाल दिए गए यहाँ से, बड़े जो प्रमुख डीजे जैसे कि अमर डीजे हो गया, काशना हो गया और सर्जन हो गया, सारे जो कांवड़ है विशाल डीजे कांवड़ हटा दिए गए हैं। अब जो कांवड़ आएंगे वो सारे नॉर्मल कांवड़ आएंगे। अब जो समय आ चुका है वो आप डाक वालों का आ चुका है, बिना साइलेंसर वाली बाइक लेके दौड़ाते हैं भाई, बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है, उसमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। देख रहे हैं ये बोले जय बोले कि कहाँ जाएंगे, बोले आप लोग बोले कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पूरा महादेव। अच्छा कितना दूर हो गया यहाँ से, यहाँ से बोले अच्छा 90 किलोमीटर होगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलने में दिक्कत नहीं हो रही, रात को चलते हैं आप लोग, रात को चले जाएंगे। अच्छा रात भर चलेंगे, नहीं नहीं थोड़ी बहुत देर चलोगे, उसके लिए आराम करेंगे। अच्छा अच्छा सुबह फिर चलेंगे, अच्छा 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 सुबह से चल रहे हैं, अभी रात को आराम करेंगे, ऐसा है, बहुत बढ़िया। जय बोलेगी, जय बोलेगी। 150 किलोमीटर, चलिए बहुत बढ़िया। देख रहे हैं 150 किलोमीटर है, जो की रात को रुकेंगे अभी बता रहे हैं, बाकी काफी सारे लोग रात को चलते हैं, दिन में रुकते हैं होता, और दिन में धूप में चलना भी सही नहीं होता, इसके कारण काफी सारे लोग रात में चलते हैं, थोड़ा बहुत आराम करते हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे भंडारा चल रहा है, विशाल भंडारा दिल्ली से हरिद्वार रुड़की, दवाई की फ्री सेवा भी है यहाँ पे, अच्छी खासी जाम अभी आ रहा है भाई। अभी ये सोच सकते हैं जो कल रात को आए, काफी सारे बोले, देख रहे पुलिस वाले खड़े हुए हटा रहे, जरा भी दिक्कतें ना हो बोलों को। देख रहे स्पीड देख लीजिए आप, अच्छी खासी तगड़ी स्पीड है और ये स्पीड बढ़ रहा है और लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। देख रहे हैं दोनों किनारे में जनता जनार्दन है और बीच में बोले चल रहे हैं। देख रहे हैं अच्छी खासी भीड़ है और ये लगातार बढ़ेगी। अभी अगर 2 तारीख को आप आएंगे इधर हरिद्वार या ऋषिकेश की यात्रा कर रहे हैं 2 तारीख के पहले, तो अभी अगर इमरजेंसी ना हो तो ना करें,
बहुत अच्छी खासी भीड़ होगी, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इतनी खतरनाक वाली भीड़ होती है। देख रहे हैं दोनों किनारे में जनता जनार्दन, पूरी रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा, कहाँ पूरी जाम चल रहा है, लोगों की संख्या भारी आ रही है। ये सारे विशाल लीजिए कावड़ को अधिकतर देखने आते हैं श्रद्धालु, जो कि इस बार विशाल लीजिए कावड़ को पहले से ही बाहर कर दिया गया है ताकि ये जो जाम वाला सिचुएशन ना बने। देख रहे हैं हाईवे पूरी तरह से लोग ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसा क्या दौड़ते हुए जा रहे हैं, क्या हो गया देखें इसको। लो भाई तो हम आ चुके हैं, देख रहे हैं जय भोले की ऊंची कावड़े, पसीने से पूरा भीगे हुए हैं भोले, देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे कावड़ आ रहे हैं, काफी ऊंची कावड़ देख रहे हैं। बैलेंस के लिए ये बना रखा है ताकि बैलेंस न बिगड़े। जो झूले कावड़ वालों की स्पीड काफी ज्यादा है, रात में जो गति है वो आप देखते हैं दोगुना हो जाता है रात की गति, देख रहे हैं बोलो ये गति। अभी बस आपको ऐसे ही नॉर्मल कावड़ ही दिखाई देंगे, बहुत कम बचे हुए डीजे कावड़, जो छोटे डीजे कावड़ है देख रहे हैं इसके लिए भोले उठा रहे हैं। ये भैया डाक कावड़ वाले ऐसी स्पीड होती है इनकी, देखो इनकी स्पीड देख लो आप, यही स्पीड होती है, बहुत बहुत तेज गति से जाते हैं आगे की ओर और बहुत दिक्कतें होती है, कहीं भी जगह मिले घुसा देंगे गाड़ी अपने, बहुत बुरा हाल होता है हाईवे का। अब ये बुरा हाल आपको आप देखने को मिलेगा लगातार, देखो बच्चे बुजुर्ग सारे आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। और ये ही बोले नहीं सारे बोलो की गति तेज है, अभी हाईवे में तो जाम है, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं झंडा कावड़, जय श्री राम। इनके डीजे भी नहीं बज रहा है, अधिकतर डीजे पूरा बंद गया है आज। देखने पीछे से डीजे आ रहा है बहुत बड़े वाला, अभी हम आपको कावड़ के दर्शन भी कराएंगे, भाई चलते हैं हम उधरी। देख रहे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे हैं, देखते हैं देख रहे हैं एक से बढ़कर एक सुंदर कावड़ आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बार पद यात्रा बखेड़ा भाई, बड़े कावड़ तो नहीं चाहिए, छोटे कावड़ से ही काम चलाना पड़ रहा है, डीजे छोटा डीजे से फिर भी बड़ा डीजे चले गया, काफी सारे डीजे बंद गए, चालू करने ही नहीं दिए क्योंकि सेटअप नहीं था, किसी का जनरेटर नहीं था ढंग का और उन्हें टाइम से पहले निकाल दिया गया जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और काफी सारे लोगों का टक्कर भी नहीं हो पाई। देख रहे हैं यह सजावट है कार की,